हम सब व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण से आज हमारा चैप्टर है 4। आज का टॉपिक है वाक्य। आज हम वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कैसे बनता है और वाक्य के कितने अंग होते हैं, आज इनके बारे में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले वाक्य कैसे बनते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। और शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे क जमा म जमा ल कमल, एक एक वर्ण से कमल शब्द बना। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ आपके बुक में देखिए उदाहरण, मुझे घर जाना है। यहाँ उदाहरण दिया है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब इसमें जो है ये सब क्या है, ये सभी शब्द हैं। मुझे घर जाना है, यहाँ पर ये सभी शब्द हैं। तो ये शब्द मिलकर के क्या बने हैं? वाक्य बने हैं। इसे ही हम जो हैं वाक्य कहते हैं। शब्दों के मेल से बने शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, उसे ही हम वाक्य बोलते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं, ध्यान रखिएगा, और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे जो हम बातचीत करते हैं, जो वाक्य में सेंटेंस में हम बात करते हैं, इससे बनते हैं, शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे उदाहरण में आपके बुक में दिया हुआ है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। यहाँ दिया हुआ है माँ प्लस खाना प्लस बना रही है, ये सब प्लस करके दिया हुआ है। और सबको अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? माँ खाना बना रही है। समझ गया आप किस प्रकार से जो है वाक्य बनते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे शब्दों का ऐसा मेल। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा मेल जो अपना अर्थ प्रकट करे, उसे हम वाक्य कहते हैं। जिससे कुछ समझ में आए, सार्थक समूह जो है, जिससे कुछ हमें समझ में आए, वही जो है शब्द वाक्य जो है कहलाएंगे। वरना सही क्रम में अगर नहीं लिखा गया, जैसे यहाँ दिया हुआ है शब्दों का ऐसा मेल जो अपना अर्थ प्रकट कर वाक्य कहलाता है। जैसे पिताजी आज दिल्ली जा रहे हैं, अर्थ प्रकट हो रहा है ना यहाँ पर। यहाँ आप अर्थ एकदम समझ में आ रहा है कि यहाँ जो क्या लिखा हुआ है, पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहा है, हो रहा है। अब यहाँ पर आप अर्थ प्रकट हो रहा है कि पिताजी आज दिल्ली जा रहे हैं। और जो है फिर नीचे आप देखिए, वही शब्द हैं लेकिन अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है, उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। शब्द तो हैं लेकिन वो क्रम में नहीं है, जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा, अर्थ संबंध में नहीं आ रहा है, वो वाक्य नहीं होगा। यहाँ दिया है परंतु सभी शब्दों का मेल वाक्य नहीं कहलाता। सभी शब्दों का मेल, कहीं कहीं शब्द रहेंगे, शब्द हैं लेकिन अगर वो व्यवस्थित नहीं है, क्रम में नहीं है, तो वाक्य नहीं कहलाएंगे। जैसे यहाँ दिया है पिताजी जा दिल्ली रहे आज, शब्द वही हैं लेकिन सही नहीं है, अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, इसे कुछ भी अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। शब्द हैं लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वाक्य नहीं कहलाएंगे। इसे अगर हम क्रम में लिखेंगे, क्रम में सही व्यवस्थित करके लिखेंगे, अर्थ प्रकट होगा, तभी ये वाक्य कहलाएगा। समझ में आ गया वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या कहलाता है? अब जो है वाक्य के कितने अंग होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। कौन कौन से हैं? एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक उद्देश्य और एक विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जो हम वाक्य बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें जिसके बारे में
जो बात कही जाए उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसमें उद्देश्य क्या है, इसमें जो है किसके बारे में कही जा रही है बात, इसमें चिड़िया के बारे में बात कही जा रही है। तो चिड़िया क्या हो गई, उद्देश्य हो गई, चिड़िया के बारे में बताई जा रही है ना। चिड़िया जो है पेड़ पर बैठी है, चिड़िया उद्देश्य का क्या हो, उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में जो बात कही जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, चिड़िया के बारे में बात हो रही है। तो चिड़िया क्या हो गई, उद्देश्य हो गई। जैसे आपके उसमें देखिए उदाहरण दिया हुआ है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ किसके बारे में बात कही जा रही है, अध्यापक के बारे में, अध्यापक क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उद्देश्य जो है कर्ता होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उद्देश्य जो है कर्ता के रूप में हमेशा आता है। तो यहाँ अध्यापक क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। शीला नाच रही है, इसमें उद्देश्य कौन है, शीला है, शीला के बारे में कही जब बात कही जा रही है, शीला जो है नाच रही है। बच्चे खेल रहे हैं, इसमें उद्देश्य कौन है, बच्चे हैं। तो आप समझ गए उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में जो बात कही जाए उसे हम जो हैं उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य जो है हमेशा कर्ता के रूप में आता है, ध्यान रखिएगा, बुक में दिया हुआ है, आप अपने दिमाग में एक बात रख लीजिएगा, उद्देश्य हमेशा कर्ता के रूप में आता है। वाक्य में जिसके बारे में जो बात कही जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। स्पष्ट हो गया उद्देश्य किसे कहते हैं। दूसरा है विधेय, विधेय किसे कहते हैं, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में हम हो रही है बात, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ, जैसे अजय गाता है, यहाँ अजय है उद्देश्य, अजय के बारे में बताया जा रहा है, अजय क्या कर रहा है, गाता है। तो गाता है क्या हो गया, ये जो है विधेय हो गया, विधेय हमेशा कर्म के रूप में आता है, ध्यान दीजिएगा। ये अजय क्या हो गया, विधेय हो, अजय जो है गाता है, गाता क्या है, विधेय, अजय क्या हो गया, उद्देश्य, उद्देश्य के बारे में बात कही जा रही है। अजय जो है गाता है, कबूतर गुटर गू करता है, यहाँ कबूतर के बारे में कही जा रही है बात, कबूतर क्या करता है, गुटर गू करता है। तो यहाँ गुटर गू जो है वो क्या हो गया आपका, विधेय हो गया। आगे जो है पढ़ो और समझो, वाक्य दिया हुआ है बुक में, इसमें उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। जैसे है मीना खाना खा रही है, इसमें उद्देश्य कौन होगा, मीना होगी, और खाना खा रही है, विधेय होगा। आप उद्देश्य और विधेय अच्छे से समझ गए होंगे। बंदर कूद रहा है, इसमें उद्देश्य कौन है, बंदर है, अब कूद रहा है क्या हो गया, विधेय हो गया। बच्चे चिड़ियाघर जा रहे हैं, बच्चे क्या हो गए, उद्देश्य, और चिड़ियाघर, विधेय। मुझे कंप्यूटर खरीदना है, मुझे क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, कंप्यूटर खरीदना है, विधेय हो गया। यहाँ पर जो देखिए पढ़ करके आप समझ जाएंगे कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, वाक्य में किस प्रकार जो है उद्देश्य और विधेय को हमको अलग करना है और समझना है। आगे है आपस में बातचीत के लिए हम वाक्य बोलते हैं और सुनते हैं। कुछ भी बातचीत करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वाक्य, वाक्य को जो हम बोलते भी हैं और अगला जो कुछ बोलता है उसे हम सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो बोलने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, वाक्य का करते हैं। जैसे बातचीत यहाँ दिया हुआ शीला और अंजू का, शीला मुझे कल बाजार जाना है, शीला क्या कह रही है अंजू से, मुझे कल जो है बाजार जाना है। अंजू तुम बाजार जाकर क्या करोगी, फिर अंजू से प्रश्न कर रही है कि तुम बाजार जाकर क्या करोगी, मुझे प्रतियोगिता के लिए फैंसी ड्रेस लानी है। फिर शीला बता रही है कि मैं बाजार इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ से अपने लिए फैंसी ड्रेस ले आऊँ, प्रतियोगिता में मैं भाग ली हूँ इसलिए। अंजू तुम अपनी ड्रेस मत लाना, फिर अंजू उसे बोल रही है मत, जहाँ नहीं का वो आता है वहाँ क्या होता है, निषेधवाचक जो है वाक्य हो जाता है, और जहाँ प्रश्न का क्वेश्चन मार्क जहाँ आएगा वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। प्रतियोगिता के लिए ड्रेस लाने के लिए अंजू मना कर रही है क्यों, फिर शीला प्रश्न कर रही है क्यों, प्रतियोगिता तो रद्द हो गई है, फिर वो बता रही है कि प्रतियोगिता जो होने वाली थी वो क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है, रद्द हो गई है। इस वार्तालाप में पूछे गए और जो प्रश्न हैं और उनके जवाब दिए गए हैं, सवाल पूछने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं,
प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? जिसमें जो है प्रश्न पूछा जाए उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? नहीं शब्द जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप देखिए, क्या तुम खाना खाओगे? इसमें क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। नहीं जहाँ आ गया, वाक्य में नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक और निषेधवाचक, ये बातचीत के माध्यम में जो हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें किस प्रकार जो है प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य का हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आओ अभ्यास करें। यहाँ पर दिया है, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक कर दोबारा लिखना है। यहाँ क्रम दिया हुआ है, जो है शब्द जो है दिया हुआ है, लेकिन ये जो है सही नहीं है, ये वाक्य सही नहीं है। तो इन्हें जो है क्रम में किस प्रकार आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? गई टीम हम जीत हमारी, तो यहाँ दिया हुआ है हमारी टीम जीत गई। उसी प्रकार शोर था बहुत में कक्षा, शोर तो आप लिखेंगे कक्षा में बहुत शोर था। बोलते हैं अच्छे सत्य बच्चे, बच्चे सत्य वचन, अच्छे बच्चे सत्य बोलते हैं। जैसे लिखेंगे अच्छे बच्चे सत्य बोलते हैं। चाहिए फल हमें खाने, हमें फल खाने चाहिए। इस प्रकार जो है इन शब्दों को क्रम में करेंगे जिससे वाक्य जो है सही होगा और अर्थ भी जो है समझ में आएगा। यहाँ शब्द हैं लेकिन जो है क्रम में नहीं है, जिससे वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है वाक्य को अगर स्पष्ट अर्थ समझना है तो यहाँ जो है सही करके आपको लिखना है, ठीक है। नीचे दूसरा है वाक्य उद्देश्य और विधेय। वाक्य दिया हुआ है, इसमें से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करना है। जैसे सिर दहाड़ रहा है, सिर क्या है, उद्देश्य है, दहाड़ रहा है विधेय। इसी प्रकार और सब शब्दों में से बच्चा कूद रहा, बच्चा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और कूद रहा है विधेय हो गया। पूरा जो है छाट करके आपको लिखना है, आप इसे अच्छे से कर लेंगे, मुझे विश्वास है। और आगे दिया है तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलो। उदाहरण देखो, ये वाक्य हैं, आपको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। आपको लीची पसंद है, क्या आपको लीची पसंद है, क्या आ गया, क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इसी प्रकार हाथी नहा रहा है, क्या हाथी नहा रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में आपको इसको बदल करके पूरा जो है वाक्य लिखना है। चौथा है निम्नलिखित वाक्यों को निषेधवाचक में लिखना है। मुझे आम खाना है, मुझे आम नहीं खाना है, मुझे आम खाना है, ये क्या है, इसमें निषेधवाचक वाक्य कभी नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मुझे आम नहीं खाना, यहाँ नहीं का प्रयोग हो गया, तो निषेधवाचक वाक्य हो गया। इसी प्रकार आप जो है पूरे इनको फिल करेंगे लिख करके। अशुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो है किस प्रकार यहाँ पर आप समझेंगे उसके बारे में दिया हुआ है बुक में। बोलचाल की भाषा में उच्चारण में शब्द प्रयोग तथा वाक्य रचना संबंधी कुछ अशुद्धियाँ प्राय देखने में मिलती हैं। हम जब बोलते हैं तो उच्चारण जो हम करते हैं उसमें अक्सर जो है प्राय जो है वाक्य रचना में क्या हो जाती है, कुछ अशुद्धियाँ जो हैं हो जाती हैं। वाक्य रचना में लिंग वचन क्रिया तथा काल के प्रयोग से संबंधी अशुद्धियाँ जो हैं होती हैं। इनके कुछ उदाहरण तथा उनके कुछ शुद्ध रूप यहाँ दिए गए हैं। जो लिंग वचन काल अक्सर हमारे उच्चारण में, हमारे बोलने में, वाक्य रचना में हमसे क्या होती है, गलती हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है, तो उस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके लिए यहाँ क्या दिया हुआ है, अशुद्ध वाक्य है उसे शुद्ध करके आपको लिखना है। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा एक बार, कहीं भी कुछ अगर अशुद्ध वाक्य आपको मिलेगा तो आप जो है उसको पकड़ लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, शुद्ध वाक्य क्या होगा, बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। इसी प्रकार ये जितने भी दिए हैं 30 हैं, 30 आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अशुद्ध और शुद्ध में आपको अंतर जो है स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आओ अभ्यास करें। यहाँ दिया है आप आपके घर जाओ, तो कैसे लिखेंगे, शुद्ध वाक्य कैसे बनाएंगे, आप अपने घर जाओ, ये शुद्ध हो जाएगा ना,
अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके लिखना है। पिताजी आया, पिताजी आए, सदा सब में मिलकर चलो, क्या कैसे लिखेंगे, सब में सदा मिलकर चलो, यह बात पिताजी से बताओ, यह बात पिताजी से जाकर कहो, यह कौन सा बस्ता है, यह किसका बस्ता है। इस प्रकार जो है आप इनको अशुद्ध से शुद्ध करके लिखेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, समझ गए।